फिलहाल पंचकुला से देखा जाए तो मंडियां जो है पिछले लॉकडाउन के 2 साल के करीब होने जा रहे हैं, मंडियां जो है बंद है, जिसको लेकर जो यहां पर लोग मेरे पीछे खड़े नजर आ रहे हैं आपको। फिलहाल ये मंडियों के लोग हैं, पूरे पंचकुला से जहां पर मंडियां लगाई जाती हैं उन मंडियों के लोग हैं। जिस तरह इनका कहना है साप्ताहिक मंडी हो, सोमवार, वीरवार, बुध, ऐसे कुछ चुनिंदा दिन थे जिनके अंदर इन मंडियां लगाई जाती थी। वहाँ जमींदार लोग भी हैं जहाँ पर इनके आरोप हैं और कि इनकी रोजी रोटी फिलहाल अब छिन चुकी है। इनका ये भी कहना है कि जब दुकानें सारी खुली हैं, शोरूम सारे खुल चुके हैं, रिस्ट्रिक्शन कम हो चुकी है, तो फिर हमारी मंडियाँ जो है वो क्यों नहीं खोली जा रही हैं, जिसका विरोध लेने के लिए विरोध करते हुए यहाँ पर डीसी ऑफिस में लोग पहुँचे हैं। और क्या कुछ इन लोगों से बात हुई है आइए सुनाते हैं आपको। 2 साल हो गए, आज खोल देंगे कल खोल देंगे, इतने दिन हो गए, हम बड़े परेशान हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे जी, हम क्या करें बताओ। कम से कम 3-4 हज़ार बंदा है जी, डेली ताज़ा कमाते हैं, ताज़ा खाते हैं हम। तो कब से बंद है आपकी मंडी? 2 साल हो गए, 11 महीने हो गए जी। तो अभी क्या डिमांड लेके आए हैं? डिमांड तो सर हमारी यही है भी हमारी सर मंडी खोल दें सर। बहुत एप्लीकेशनें दे दी सर, बहुत वो कर दिया हमने, हाथ पैर जोड़ दिए, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। आज किससे मुलाकात करने आए? आज हम डीसी साहब से मुलाकात करने वास्ते आए हैं। आदमी तो रो भी नहीं सकता सर। सर असी किसान मंडी के वास्ते आए हैं, साढ़े 1.5 साल से किसान मंडी बंद पई है, सरकार के द्वारा सारे जो काम काज सारे खोल दे पे हैं। साड़ी किसान मंडी नूं जी असी 1.5 साल हो गए सानूं धक्के खांदे, मतलब जिस टाइम लॉकडाउन लग्या तो उस तो 3 महीने बाद असी लग गए थे। तो असी मतलब कभी अपना डीसी साहब के पास भी बहुत बारी आए पहले थे जो अपने मुकेश कुमार जी, तो हाले तक साढ़े मसले का कोई हल नहीं जी हुआ। तो क्या हवाला दिया है? बाकी जो दुकानें खोल दी गई है तो आपकी क्यों नहीं खोली गई? पता नहीं जी, उन सब बार बार कहते हैं जी अभी खुलेगी खुलेगी, महीना रुको, डेढ़ महीना रुको। तो चुके हैं अभी तक जी असी अपना डीसी साहब जी, बाकी एसडीएम साहब एक बार मिले हैं जी, और एमएलए साहब को मिली है जी 2 दिन बारी। तो एमएलए साहब ने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने पहले आश्वासन दिया था जी 2-4 दिन के अंदर इसको खोल देंगे, फिर उसके बाद कहने लगे जिसमें लोकल किसान वगैरह नहीं आते, तो कम से कम भी लोकल किसान भी 100-150 के गेट में इसमें मंडी में काम करता है जी। बाकी कुछ किसान ऐसे हैं जो सवेरे अपनी सब्जी दे के चले जाते हैं जी, और फिर उसके बाद में अपना और बंदे हैं जो जैसे मान लो कुछ आगे हो गए मीडिया कर वगैरह भेज देते हैं उसको। बेनती है जी अपने डीसी साहब जी से कि हमारी मंडियां 1.5-2 साल से बंद हैं, हम सारे छोटे छोटे बच्चों वाले परेशान हैं, हमारे घर में बहुत परेशानी है, काम के बिना हम कोई काम को और कर नहीं सकते, मजदूर बंदे हैं, दिहाड़ीदार अनपढ़ बंदे हैं, हम क्या करें? हमें लारा दे देते हैं, आज खोल देंगे कल खोल देंगे, कहने को कह देते हैं, खोलते हैं नहीं बिल्कुल भी ना, हमारे को बताते हैं अभी कब खोलेंगे, क्या तुम्हारी परेशानी, कोई पूछ के भी राजी नहीं, हम करें तो क्या करें, कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो बेले बैठे बिल्कुल। घर का गुजारा कैसे चलता है? कुछ भी नहीं चल रहा जी, हमारे बच्चे ऐसे रुल रहे हैं, धक्के खा रहे हैं बेकार में, हम खुद परेशान हैं, कमाने वाले बंदे थे, अब इस टाइम हम इतने बेरोजगार हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम। कुछ मंडियाँ बंद हैं, असी बेचूंगे कितने? असी तो यही बेनती करते डीसी ऑफिस में बेनती करते भी मंडियाँ खोलिया जा, सारी परेशानी है मंडियाँ वास्ते, साडा माल है जो सब्जी है साड़ी खेतों में खराब होती, जब बिकती होनी है, जो मंडियाँ नहीं खुलू असं बेचूंगे कितने? मतलब साड़ी तो यही बेनती है, ये सारी पब्लिक देखो परेशान हो रही है, बिचे जिमीदार बिचे दूसरे भी हैं, उनको सारे बंदे हैं, जिमीदार को ज़्यादा परेशानी है कि जिमीदार का माल है जो खेतों से खराब हो रहा है, जब मंडी नहीं खुलूगी सड़ रहा है जी सारा माल बिल्कुल ना, इतना जिमीदार का इतना बुरा हाल है जी, साडा काम हुंदा सी हमें खेतों से उगा लेंदे थे सब्जी, उत्ते बाद मंडी आंदे थे, कुछ असी आप बेच लेंदे थे, कुछ अपा इन्हां नूं दे देंदे थे बाद ची, पर अज साडा वो हाँ जी जिमीदार है 12 किले जमीन के साथ अजीजपुर हाँ जी, फिर साड़ी सब्जी 2 साल हो गए, असी 5 पैसे नहीं बटे है जी, साडा इन्ना बुरा हाल हो गया भी हद से ज़्यादा, गोभी साड़ी नहीं, आलू साडा नहीं बिकता, हर चीज़ कोई भी नहीं बिक रही है जी, किसान मंडी का जिमीदारा कस बहता, जिमीदारा होता है ताज़ी सब्जी लियाने के लिए सेक्टरों में बेच सकता है, पर इन्होंने वो हाल करा ना जी, मतलब जिमीदारे का भी बिल्कुल फट्टी पोची हुई है जी। हाँ सर, जिस तरह से आज मंडी के जो लोग हैं कुछ लोग आपसे मिलके गए हैं सर, क्या कुछ उनकी डिमांड थी और सर क्या कुछ सुनवाई की गई सर? देखिए आज एक रिप्रेजेंटेशन के लिए जो अपनी मंडी यहाँ पर विभिन्न सेक्टरों में लगती है उसके एक प्रतिनिधिमंडल आया था और उनकी मांग ये थी कि कोविड के बाद जो रिस्ट्रिक्शंस कम हुई हैं और भी व्यवसाय के लिए उस तरह की रिस्ट्रिक्शंस कम होने के मद्देनज़र रखते हुए उनकी मंडी को भी अनुमति मिले, इस बारे में एक कमेटी उनकी बनाई गई है जो मेरे साथ कल बैठकर इस पर चर्चा करेगी और इसका तुरंत समाधान निकालने का मैंने उनको आश्वासन दिया है। तो
क्या सर लगता है सर मंडी खुल जाएगी सर, क्योंकि जिस तरह देखा जाए तो लॉकडाउन में जो रियायतें सब मिली हैं, दुकानें खुली हैं, शोरूम खुले हैं, तो क्या इनकी मंडियां खुल जाएंगी सर? देखिए ऐसा है कि अभी आज क्योंकि ये विषय सामने आया है, इसमें तुरंत हाँ या ना कहना अभी इस समय उचित नहीं है। एक बार जो कोविड की रेस्ट्रिक्शंस हैं और एक बार सभी स्टेक होल्डर से सलाह मशवरा करके इसका हम निर्णय कल तक लेंगे। क्योंकि सर दो दुकानदार ये जो रेडी फड़ी मंडी वाले हैं, इन लोगों का कहना है कि जब रेडी फड़ी लगती है वहाँ भी और जो दुकानें लगती हैं शोरूम लगते हैं, तो उनको जब रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई तो फिर हमारे को, क्योंकि रोजी रोटी हमारी सिर्फ यही थी। हाँ, इस तरह का तर्क उनका रखा गया है, इसको ये एग्जामिन करके हम कल तक निर्णय लेंगे। हरियाणा के अंदर कई जगहों पर मंडियाँ चल रही हैं। देखिए कई जगहों के अलग अलग विषय जो हैं, मैंने यहाँ पर आसपास के जो क्षेत्र हैं उसका भी एनालिसिस आज करेंगे और उसका निर्णय कल तक लेंगे। सुना आपने, डीसी साहब ने भी इनके आश्वासन दिया है इन्होंने, और कल इनके साथ दोबारा एक बार मीटिंग की जाएगी। फिलहाल आश्वासन दिया गया कि इनकी मंडी, इनकी जो मंडी है इसके ऊपर विचार किया जाएगा, और अगर जो दिक्कतें और परेशानियां फिलहाल इनको आ रही उनकी सुनवाई की जाएगी। और फिलहाल आश्वासन देते हुए डीसी साहब ने इनको कहा कि आप हमारे पास आइए, दो चार लोग जो है इनके जो टीम के गठन इन्होंने किया है वो लोग आएंगे और बातचीत की जाएगी, और किन विषयों के ऊपर किस तरह से दिक्कत और परेशानियाँ फिलहाल है उनको सॉल्व किया जाएगा। तो अब तक के लिए इतना है, जितना हो सके खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय विजय केसरी।